नीमच का स्थानीय रेलवे स्टेशन मंडी रोड की खस्ता हालत को लेकर वहां के रहवासियों ने सिंधिया फैंस क्लब के जिला अध्यक्ष समीप चौधरी के नेतृत्व में मुंह पर मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन के नाम नगरपालिका के सहायक इंजीनियर जेपी मालवी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए समीप चौधरी ने बताया कि नीमच स्टेशन मार्ग के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोड के गड्ढों ने कई बार जानलेवा हादसों को न्योता भी दे चुके हैं। लोगों का इस मार्ग पर आवागमन करना दुश्वार हो चुका है। आसपास के रहवासियों को इन गड्ढों की उड़ती धूल से कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष राकेश जैन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, इसलिए हम सभी यहां एकजुट होकर रोड बनवाने की मांग कर रहे हैं। जेपी मालवी ने बताया कि बारिश के कारण डामर रोड खराब हो गया है, वहीं जल्द ही रोड की मरम्मत करा ली जाएगी। वहाँ से इसलिए लगा, मैं परसों के दिन चार दिन पहले बाइक से आ रहा था, तो ये पत्थर उछलने से ये मैं गिर गया। ये गिर लगी और बहुत धूल मिट्टी है स्पेशल रोड के बाहर, जितने पत्थर है कितने आदमी गिर गए, कोई सुना ही नहीं है। इतने टाइम से रोड खराब हो रहा है, पूरा धूल धमाशा, इतना ट्रैफिक रहता है, एकदम लोग इतने परेशान है कि आप जैसे धूला उड़ता है तो दुकानों पर इन पर मतलब खाने पीने की चीज़ों पर जम जाता है। गए बार भी हमने धरना दिया था, ये रोड पूरा खुदा हुआ था, तो तहसीलदार जी सोनी जी थे, तो उन्होंने प्रॉमिस करा था कि भाई आपका केस वेस नहीं बनेगा और मैं रोड बनवाऊंगा। तो रोड बनने के बाद में ये 6 महीने में ही टूट गया, 3 महीने में 6 महीने। और अभी 7 दिन पहले मैं स्वयं गिर गया यहाँ नाली, ये जो नीचे अंडर ब्रिज वाला रोड जा रहा है ना, उसके ऊपर एक किवा पे था। अभी परसों एक पति पत्नी और बच्चा था उनका, वो गिर गए, कोई सुनने वाला नहीं। हमने 181 पे भी शिकायत करी। और इतने इकट्ठे हो रहे हैं कि कम से कम दिन भर में 3-4 लोग यहाँ गिरते हैं क्या, तो कम से कम ये इकट्ठे से करो। ये रोड जो जा रही है यहाँ से बताने होते हुए राजस्थान और एमपी दोनों जोड़ती हुई है, और ये रोड की इतनी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। साल भर पहले रोड बनी थी, वो तो बरसात के पहले ही रोड उखड़ चुकी है, जो मिट्टी उछल उछल के लोगों के ऊपर लग रही है। आए दिन ये हादसे होते हैं और इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जो इन्होंने सीवेज खोदी उसके बाद भी वापस बनाने के बाद भी फिर वापस खुद गए, और रोड इतना ख़राब हो रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और टेम्पू वाले क्या करते हैं कि रोड को गड्ढा बचाने के लिए इधर एक्सीडेंट कर देते हैं, आते जाते हैं मिट्टी लगती उड़ के, धूला तमाशा उड़ रहा है, और यहाँ श्वास के मरीज बहुत हो रहे हैं, दमे के मरीज हो रहे हैं। बारिश के कारण डामर का रोड उखड़ गया साइडों में, और उसकी वजह से गिट्टियाँ उछल रही है, धूल निकल रही है, उड़ रही है, तो उसकी रिपेयरिंग की मांग की है। और साइड में नाली भी नहीं है यहाँ पर, तो नाली की मांग भी की है। अब हम इसका अभी तो पानी का टैंकर में छिड़काव मांगा है, हमें छिड़काव करा देते हैं और इसका रोड का रिपेयरिंग करा देते हैं। हमारा वैसे भी टैंकर का काम चल रहा है, हम इसको करा देते हैं जल्दी। और नाली निर्माण का है तो उसका एस्टिमेट बना के, और जो भी उसकी कार्यवाही है PS वगैरह लेके टेंडर आमंत्रित करके, और इसका हम रोड नाली का निर्माण करा देते हैं।